हाय हेलो, सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑयलिंग ब्रेड और कॉम्बिंग की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे इस वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने बेटे से हेयर ऑयलिंग करवाएं। बट मेरा बेटा अभी काफ़ी छोटा है, तो उसको ऑयलिंग करनी बिल्कुल भी आती नहीं, अच्छी तरह से ऑयलिंग नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी। बट रिक्वेस्ट हर रोज़ हर वीडियो पर कमेंट आता था कि प्लीज़ 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 आप अपने बेटे से हैवी हेयर ऑयलिंग करवाएं, ब्रेड करवाएं, कॉम्बिंग करवाएं। तो बस मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश की है। ये देखिए, पहले मैंने उसे अच्छी तरह से समझाया है कि तुझे ऑयलिंग कैसी करनी है। तो जैसे ही उसने ये देखिए थोड़ी बहुत ऑयलिंग उसने मेरे हेयर्स पर की है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस ऐसी नॉलेज नहीं है ऑयलिंग वगैरह करने की। तो थोड़ी बहुत ये देखिए उसने ऑयलिंग की है, जैसे जैसे मैंने उसे बताया है वैसे वैसे वो मेरे हेयर्स पर ऑयल लगा रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने यहाँ पे डाबर आमला हेयर ऑयल लिया है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट ऑयल है। मुझे डाबर आमला हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे जब मैं ऑयलिंग करती हूँ, जैसे मैंने सैटरडे नाइट को ऑयलिंग किया, तो सुबह मैं अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो मेरे हेयर्स काफ़ी स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। मुझे ये हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है, विंटर्स में भी और समर में भी। तो यहाँ पर मैं डाबर आमला हेयर ऑयल ही ले रही हूँ। राजवीर के बालों पर भी मैं डाबर आमला हेयर ऑयल ही अप्लाई करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पार्टीशन कर करके मेरे सारे हेयर्स पर राजवीर हेयर ऑयल लगा रहा है। और अपने हैंड से अच्छी तरह से मसाज कर रहा है बालों पर, स्कैल्प पर। जब मैं खुद अपने बालों पर ऑयलिंग करती हूँ, तो मेरे बालों पर में इतने टैंगल्स नहीं पड़ते, बट जब राजवीर ने ऑयलिंग की तो इतने ज़्यादा टैंगल्स पड़ गए थे मेरे बालों पर, बहुत ज़्यादा। तो ऑयलिंग के बाद सबसे पहले मैंने अपने टैंगल्स को रिमूव किया, फिर उसने कॉम्बिंग की। राजवीर अभी सिर्फ 9 ईयर्स का है, 9 साल का है राजवीर। तो कभी भी हमने उससे ऐसी कुछ ऑयलिंग वगैरह करवाई नहीं है, तो इसीलिए उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऑयलिंग कैसे करनी है, बालों पर ऑयल कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर 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 कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखिए। और भी जो मेरी सारी वीडियोस होती हैं, जो मेरे ट्यूटोरियल्स होते हैं, उन्हें भी प्लीज़ 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 सारी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, क्योंकि उन वीडियोस पर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखें, और अगर ये भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर राजवीर मेरे बालों की लेंथ पर ऑयल लगा रहा है और कुछ इस तरह से मसाज कर रहा है। मैं साथ साथ में उसे बता रही थी कि अब तू ऐसे ऑयल लगा, अब तू कॉम्बिंग कर। तो ऑयलिंग यहाँ पर मैंने राजवीर से करवा ली है। तो देखिए, उसने ऑयलिंग कुछ इस तरह से की है कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल्स पड़ गए हैं। तो मैंने टैंगल्स को रिमूव कर लिया है, और अब थोड़े बहुत जो टैंगल्स हैं उन्हें राजवीर रिमूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।